अस्सलाम वालेकुम। कुछ दोस्तों का कमेंट्स पढ़ रहा था कि हमने 4 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना है, हमारा टोटल कितना खर्चा आएगा, सोलर पैनल हम किस कंपनी के खरीदें, इन्वर्टर, बैटरी, वायर, लेबर कितने हमसे पैसे ले जाएगी, सोलर स्टैंड हम बना बनाया खरीदें या अपने घर में खुद बनवाएं। अगर आप भी 4 किलोवाट का सोलर सिस्टम 2024 मई में लगवाने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती है। वीडियो मुकम्मल वाच कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो आपने हमें सपोर्ट ज़रूर करना है, चैनल सब्सक्राइब करके, वीडियो लाइक करके, कमेंट्स करके। सबसे पहले हमें 4 किलोवाट के सोलर सिस्टम के लिए 8 बड़े सोलर पैनल खरीदना पड़ेंगे। आप किसी भी ए ग्रेड टीयर 1 कंपनी के खरीद सकते हैं। हमने कैंडियन कंपनी के एन टाइप बाइफेशियल सोलर पैनल खरीदे हैं। इस वक्त मार्केट में जो सोलर पैनल की कीमतें हैं वो कम तरीन सतह पा रहे हैं, कभी ज़्यादा हो जाती हैं, कभी कम हो जाती हैं। इस वक्त मई 2024 में आपका एक जो सोलर पैनल है ए ग्रेड टीयर 1 कंपनी का बाइफेशियल 20,000 से लेकर 25,000 रुपये में आ जाएगा। हमने आपको एक आइडिया देना होता है, आप हो सकता है ये वीडियो 2 मंथ के बाद देखें। 25,000 का हम एक सोलर पैनल शामिल कर लेते हैं। आपको सस्ता भी मिल सकता है आज, कल को ये महंगा भी मिल सकता है, ये खर्चा फिक्स नहीं रहता है। आपने 8 सोलर पैनल खरीदने हैं। जिस दिन आप सोलर सिस्टम लगवाने जाएँ, जो उस दिन सोलर पैनल का रेट हो उससे मल्टीप्लाई कर लें। 25,000 का एक सोलर पैनल हमने शामिल किया, 8 हमें सोलर पैनल चाहिए, 2 लाख रुपए हमारा इन सोलर पैनल पर खर्चा हो जाएगा। इन्वर्टर हमने ख़रीदा है ज़ियोनिक कंपनी का 4.5 किलोवाट का डायमंड सीरीज़ में। 10 बड़े सोलर पैनल भी आप इस इन्वर्टर के साथ मुस्तकबिल में लगा सकते हैं। प्योर साइन में ये इन्वर्टर है, कम से कम आप 3 सोलर पैनल भी लगाएंगे ना तो ये इन्वर्टर काम शुरू कर देगा। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है, बैटरी के बगैर भी ये इन्वर्टर काम करेगा दिन की रोशनी में। अगर आप अपने सोलर सिस्टम का बैकअप टाइम नहीं चाहते तो फिर आप बैटरी आउट कर दें, बैटरी के बगैर ये सोलर सिस्टम चलता रहेगा। ज़ियोनिक कंपनी का 4.5 किलोवाट का जो इन्वर्टर है डायमंड सीरीज़ में आपको मार्केट में मिल जाएगा 1,50,000 रुपये से लेकर 1,55,000 रुपये की रेंज में। हम अपने इस टोटल में 1,55,000 ये शामिल कर लेते हैं। कुछ दोस्त बोल रहे हैं कि हमें ज़ियोनिक कंपनी अच्छी नहीं लगती, आपके माइंड में भी जा रहा होगा। आप इन्वेक्स ब्रांड, क्राउन कंपनी, सोलर मैक्स कंपनी, ग्रोवाट कंपनी, टेस्ला कंपनी, बेशुमार कंपनीज़ के इन्वर्टर मार्केट में दस्तयाब हैं। जो कंपनी आपको अच्छी लगती है आप उसका इन्वर्टर ख़रीद सकते हैं। हमने आपको एक आइडिया देना होता है, बार बार इसलिए बोल रहे हैं, कुछ लोगों के माइंड में जा रहा होगा यार ज़ियोनिक कंपनी ने जाहिद भाई को कोई तगड़े पैसे दिए हैं जी जो इस इन्वर्टर की बात कर रहा है। भाई कंपनी हमें कोई पैसे नहीं देती, ये सिर्फ़ और सिर्फ वीडियोज़ हम आपकी सहूलत के लिए बनाते हैं, अपने दोस्त भाइयों का फ़ायदा हो जाए, किसी एक बंदे का भी फ़ायदा हो जाएगा तो हमें दुआ देगा तो इंशाल्लाह हमारी दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। इसके बाद सोलर स्टैंड की बारी आती है। अगर आप बना बनाया खरीदेंगे मार्केट से वो आपको हो सकता है 25,000 से लेकर 30,000 रुपये में सोलर स्टैंड आ जाए 4 किलोवाट का। अगर आप ये खुद बनवाएंगे, हमारा आपको मशवरा है आपने सोलर स्टैंड खुद बनवाना है। स्ट्रक्चर अच्छी क्वालिटी का होगा तो आपका ये जो सोलर सिस्टम है छत के ऊपर रहता है, तूफान आंधी हमारे पाकिस्तान में चलती रहती हैं, स्ट्रक्चर मजबूत होगा तो आपका सोलर पैनल सेफ रहेंगे। अगर आप ये खुद सोलर स्ट्रक्चर बनवाएंगे, सोलर स्टैंड पंजाबी जबान में, फिर कुछ बोलेंगे स्ट्रक्चर क्या रहता है। 80,000 से लेकर 1,00,000 रुपया आपका इस पर खर्चा आ सकता है। हम 80,000 ये शामिल कर लेते हैं, आपको आइडिया दे रहे हैं। अगर आप बना बनाया लेना चाहते हैं वो सस्ते में मिल जाएगा, चॉइस आपकी है। इसके बाद वायर हमें चाहिए 6 mm में, आपने फुल गेज में वायर खरीद लेनी है। वायर का खर्चा फिक्स नहीं रहता, आपके घर के मैप पर डिपेंड करता है। 6 से लेकर 10,000 की आपकी वायर आ जाएगी। डीबी बोर्ड आपने अच्छी क्वालिटी का बनवाना है, ब्रेकर तमाम अच्छी क्वालिटी के यूज़ करने हैं। 4 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम रहता है जिसमें डीबी बोर्ड, डक पट्टी, छोटे मोटी और चीज़ें भी रहती हैं, तकरीबन 20,000 आपका खर्चा हो जाएगा अच्छी क्वालिटी में। अगर आप जाएंगे लो क्वालिटी में जाएंगे तो 5,000 का भी मार्केट में दस्तयाब है, चॉइस आपके पास है। इसके पास ये जो सोलर सिस्टम है इसका अगर आप बैकअप टाइम चाहते हैं, यकीनन हर बंदा चाहता है कि रात को हमारे पंखे चलते रहें, तो 2 बैटरी आपने ख़रीद लेनी है, किसी भी कंपनी की खरीद सकते हैं। 50,000 से लेकर 55,000 रुपये में आपको एक बैटरी मिल जाएगी, 1,10,000 आपका बैटरी पर खर्चा हो जाएगा। इंस्टॉलेशन के कितने चार्जेस होंगे, जो लेबर ये सोलर सिस्टम हमारे घर में लगाने आएगी 10,000 से लेकर 15,000 वो आपसे वसूल कर लेगी। ये खर्चा आपके एरिया पर डिपेंड करता है, ज़्यादा या कम हो सकता है। 4 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है इसके ऊपर आपके 1 टन के 2 AC चल जाएंगे, 1.5 टन का AC भी बआसानी चल जाएगा, 2 टन का 1 AC इसके ऊपर बआसानी चल जाएगा, रेफ्रिजरेटर चलेगा, पंखे घर के चलेंगे, लाइट चलेगी, वॉशिंग मशीन चलेगी, इसके अलावा वाटर पंप आपके घर का चल जाएगा। आपने ये लोड मैनेज कर लेना है, जब आपके 2 1 टन के AC चल रहे हो बाकी लोड आपने ऑफ कर देना है, जब बाकी लोड चल रहे हो तो आपने AC ऑफ कर लेना है। माशाल्लाह मैनेज हम पाकिस्तानी दोस्त भाई कर लेते हैं। मई 2024 में 4 किलोवाट का A1+ क्वालिटी की तमाम चीज़ें हमने यूज़ की हैं। आपका सोलर सिस्टम घर में इंस्टॉल हो जाएगा,
5,90,000 रुपए से लेकर 5,98,000 रुपए की रेंज में। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अगर आपने सोलर सिस्टम अपने घर में लगवाया है आपका टोटल कितना खर्चा हुआ नीचे कमेंट्स में बताइएगा। इसके अलावा अगर आप 3 किलोवाट का, 2 किलोवाट का, 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं, हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोज़ अपलोड है, आप ज़रूर बात कीजिएगा, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपने इंस्टॉल नहीं भी करवाना, आपके किसी दोस्त भाई ने इंस्टॉल करवाना है तो आप उसको अच्छा गाइड कर लेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।